एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे विष दोष के बारे में, कब यह बनता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं, और जब हमने जान लिया कुंडली में विष दोष बन रहा है तो उसका आप फलादेश अर्थात प्रिडिक्शन कैसे करें ताकि आपको बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त हो। दोष भी बन रहा है लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होता है, अर्थात दोष यह कब भंग हो जाता है वह नियम भी मैं आपको बताऊंगी, तो वह आप बहुत ही ध्यान से देखें। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे अचूक उपाय भी बताऊंगी, यदि वह उपाय आपने करें और आपकी कुंडली में यह दोष बन रहा है तो इस दोष का प्रभाव आपके जीवन से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, अर्थात विष दोष आपकी कुंडली से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हमने सब कुछ नियम जान लिए, हमने पूरा प्रिडिक्शन भी कर लिया नियम अनुसार, लेकिन आपको एक ऐसी अद्भुत बात भी बताऊंगी वीडियो के एंड में, यदि वह आपने जान ली तो वह जानना बहुत ज़रूरी है, अर्थात नहीं तो फिर आपका प्रिडिक्शन बिल्कुल फेल हो जाएगा। यदि आप कुंडली देखना सीख रहे हैं, जन्म पत्रिका देखना सीख रहे हैं, तो छोटे छोटे जो नियम होते हैं उनको बहुत अधिक ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, अन्यथा वह बात यदि आपने मिस कर दी तो आपका पूरा फलादेश बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। जो बातें आपको मैं बता रही हूँ वह बिल्कुल नगण्य हो जाएगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। दोस्तों, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए ताकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे विष दोष कब यह बनता है। तो यह सामान्य सा एक नियम होता है कि शनि और चंद्रमा की युति किसी भी भाव में हो, हमारी कुंडली के 12 भाव होते हैं, वहाँ पर कहीं पर भी हो तो यह दोष बनता है। एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन हो गई। और इसके अलावा दृष्टि संबंध से भी ये दोष बन जाएगा। शनि चंद्रमा को देखता है और चंद्रमा भी शनि को देखेगा, अर्थात दोनों की सातवीं दृष्टि से ही यह दोष बनेगा। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है लेकिन चंद्रमा की केवल 7वीं ही दृष्टि होती है, तो चंद्रमा की जो दोनों दृष्टियाँ उससे नहीं बनेगा, चंद्रमा भी शनि को देखना चाहिए। अर्थात परस्पर यदि 7वीं दृष्टि दोनों की बन रही है तो भी कुंडली में यह दोष बनेगा। यह हमारी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। बहुत से आपने वीडियो देख भी चुके होंगे विष दोष के ऊपर, तो सब ने बता भी रखा होगा, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर नियम बताऊंगी वह बहुत ही अद्भुत है, वह बहुत अधिक आपको फलादेश करने में आपको सहायता प्रदान करेंगे। अब यह कुंडली में दोष बन गया हमने देख लिया, अब इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब जातक को कौन कौन से ऐसे नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। हम जानते हैं कि शनि हमारी कुंडली में नेगेटिव कारक तत्व का कारक ग्रह माना गया, अर्थात उसे पापी ग्रहों की श्रेणी में माना गया। इसके विपरीत चंद्रमा हमारा सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रहों की श्रेणी में यह आता है। तो शनिदेव बहुत ही धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं और चंद्रमा बहुत फास्ट स्पीड से चलते हैं। शनिदेव 30 साल में अपने जो पूरा परिक्रमण करते हैं, अपनी कुंडली के 12 भाव का परिक्रमण करते हैं, वह 30 साल में कंप्लीट करते हैं, जबकि चंद्रमा 2.5 दिन में ही अपनी राशि को चेंज कर लेता है। जब शनि और चंद्रमा की युति होती है तो ऐसा इस दोष को बहुत अधिक नेगेटिव क्यों माना गया है, क्योंकि शनिदेव का अंकुश चंद्रमा के ऊपर हो जाता है, अर्थात कोई जातक बहुत अधिक फास्ट स्पीड से चलने वाला है, उसके ऊपर बहुत ही स्लो स्पीड वाला ग्रह यदि अपना अंकुश लगा देगा तो वह बिल्कुल छटपटा जाएगा, उसकी जो भी गति है वह बिल्कुल धीमी हो जाएगी और जातक के जो भी नेगेटिव जो भी पॉजिटिव रिजल्ट उसको मिलने चाहिए वह जीवन में नहीं मिलता है। तो जीवन में जातक बहुत अधिक असंतुष्ट रहता है अपने जीवन काल में, मतलब यह दोष यदि आपकी कुंडली में बन गया है तो जातक बहुत अधिक परेशान रहता है, वह किसी ना किसी परेशानी से घिरा ही रहता है। अधिकतर देखने में आया है कि वह अपने हेल्थ को लेकर बहुत अधिक परेशान रहता है, तब जीवन में बहुत अधिक निराश हो जाता है, संतुष्ट नहीं होता है, वे किसी भी कार्य से जीवन में संतुष्ट नहीं होता। कोई भी वह कार्य कर ले उसे कोई ना कोई कमी अपने जीवन में महसूस होगी, उस कार्य में भी वह कमी निकालेगा भले कितना ही अच्छा कार्य करा हो, क्योंकि शनि क्या होता है बिल्कुल फिनिशिंग से कार्य करने वाला ग्रह होता है, चंद्रमा फटाफट कार्य करने वाला होता है, तो दोनों ग्रह यदि परस्पर युति बनाए हुए हैं तो कार्य में संतुष्टि नहीं होगी। हर दूसरा
मतलब कोई भी निर्णय लेगा तो दूसरों का सहारा उसे अवश्य लेना होगा। सबसे बड़ी परेशानी होती है मानसिक असंतुष्टि जातक को हमेशा रहती है, मतलब उसे वहम, डर, मन का भटकाव, बार बार काम में चेंजेस उसके जीवन में आते रहते हैं और बीमारी का शिकार भी वह होता है। कई बार ऐसा हमने देखने को मिला है कि गलत कार्य की तरफ भी वह प्रेरित हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है और शनि जो है न्याय का कार्य है, तो दोनों की युति होने के कारण गलत कार्य की ओर वह अग्रसर हो जाता है, नशे का शिकार भी जातक हो जाता है। और सबसे बड़ी यह जब युति होती है, विष दोष हमारी कुंडली में बनता है, तो वैवाहिक जीवन बहुत अधिक जातक का परेशान हो जाता है, वैवाहिक सुखों में कमी हो जाती है, सामाजिक जीवन उसका अस्त व्यस्त रहता है, अर्थात सामाजिक जीवन में वह कभी भी खुश नहीं रहता है, समाज में उसे उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं रहता है, वह अलग रहना पसंद करता है, क्योंकि शनिदेव क्या है, विरक्ति के कारक ग्रह है, वैराग्य की ओर हमें ले जाते हैं और चंद्रमा उसके विपरीत प्रवृत्ति के हैं, इसलिए जातक का मन स्वभाव इस तरीके का हो जाता है। हमने सब कुछ देख लिया है, लक्षण हमने जान लिए, अब बात आती है कि प्रिडिक्शन कैसे किया जाए, फलादेश कैसे किया जाए, तो उसके छोटे छोटे से नियम हैं, वह नियम आपको माइंड में रखने हैं, फिर मैं कुंडली का एग्जांपल देकर आपको समझाऊंगी, वह नियम लगाकर भी बताऊंगी, ताकि आपको बहुत अधिक अच्छे से समझ में आ जाए। अब आप प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं, आप किसी की भी कुंडली आपने देख ली है, 12 भावों में कहीं पर भी शनि चंद्र की युति हो गई है, आप डिसीजन पे पहुंच गए हैं कि हाँ विष दोष बन गया है। अब आप प्रिडिक्शन करने जा रहे हैं तो आपको दो कॉलम आपके सामने अपने माइंड में रखने हैं या लिख लेने हैं कि दोष बनेगा भी नहीं बनेगा या दोष भंग हो चुका है, क्योंकि भंग होने के भी नियम होते हैं। कोई भी राजयोग बनता है, कोई भी या फिर दोष कुंडली में बनता है, तो हमें दुखी या बहुत अधिक खुश होने की ज़रूरत नहीं होती है, जब तक हम इस डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं कि हाँ असल में ये दोष बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है या राजयोग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि बहुत अधिक टर्म कंडीशन होती है हर दोष का फलादेश करने पर, या फिर किसी भी राजयोग का हम फलादेश करते हैं तो बहुत अधिक टर्म कंडीशन लगाकर उसे फुलफिल किया जाता है, तभी राजयोग जैसी स्थिति हमारी कुंडली में बनती है, तभी दोष जैसे हमारे लक्षण हमारे जीवन में बनते हैं। अब ये सारे लक्षण मैंने बताए हैं, ऐसा नहीं है कि सभी जातकों को यह लक्षण प्रभावित करेंगे या ऐसे लक्षण उसके जीवन में मिलेंगे, किसी को तो बहुत अधिक कम परिणाम प्राप्त होता है, किसी को बहुत ज़्यादा जीवन में नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं। तो कब ये दोष बनेगा उसके हम देख लेते हैं कि दोनों ही ग्रह यदि नेगेटिव हो गए हैं तो यह दोष बनेगा। अब नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रह कैसे निकालते हैं, आप मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको पता चले योग कारक मारक ग्रह कैसे निकालते हैं कुंडली में, अलग अलग लग्न कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रहों की श्रेणियाँ होती है। यदि आपने निकाल लिया है कि हाँ दोनों ग्रह नेगेटिव है तो यह दोष बनेगा, अब किस भाव में बनेगा उसका प्रभाव भी होता है। अब यदि योग कारक हो गए किसी भी कारणवश, भले ही योग कारक है वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आ रहे हैं या फिर विपरीत राजयोग कंडीशन लगाकर योग कारक आ गए हैं ग्रहण, किसी भी कारणवश योग कारक हो गए हैं दोनों ग्रह, तो यह दोष नहीं बनेगा दोस्तों। उसके बाद सेकंड पॉइंट आपको देखना है दोनों ग्रहों की पावर कितनी है। जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो अंश भी लिखे होते हैं सॉफ्टवेयर के नीचे, तो वह अंश आपको ज़रूर देखने हैं। यदि दोनों ग्रहों के डिग्री डिफरेंस यदि बहुत कम है तो यह दोष बनेगा, और यदि डिग्री डिफरेंस बहुत अधिक है तो यह दोष नहीं बनेगा। जैसे सपोज करिए, एग्जांपल्स के प्रॉप से मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे सपोज करिए शनि की डिग्री है 2 डिग्री का शनि है या 3 डिग्री का शनि है, उसके विपरीत चंद्रमा की डिग्री हो गई 28 डिग्री या फिर उसकी डिग्री हो गई 25 डिग्री, तो दोनों की डिग्री डिफरेंस बहुत अधिक हो गया है तो यह दोष नगण्य हो जाएगा, इस दोष का प्रभाव जातक के ऊपर नहीं बनेगा। तो अंशों को देखना भी ज़रूरी है, केवल युति मात्र से ही कुंडली में दोष नहीं बनता है, पूरा प्रिडिक्शन करना ज़रूरी होता है, इसलिए नियम मैंने आपको बहुत इजी वे में समझाने का प्रयास मैं कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोनों का डिग्री डिफरेंस यदि बहुत अधिक ज़्यादा होगा तो नहीं बनेगा, और यदि बहुत कम हो गया है, जैसे सपोज यही हम एग्जांपल ले लें, शनि 2 डिग्री 3 डिग्री का है और उसके अलावा चंद्रमा की डिग्री हो गई है
5 डिग्री हो गई है, 10 डिग्री हो गई, तो दोनों का डिफरेंस बहुत अधिक कम हो गया। दोनों ग्रह पास पास में आ गए हैं, तो दोनों की युतियों का प्रभाव जातक के ऊपर होगा, जिसके कारण जातक के ऊपर यह दोष लागू होगा, उसका प्रभाव उसके ऊपर देखने को मिलेगा। तो अंशों का देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह यदि नीच हो गया है तो ज़्यादा इफेक्ट होगा दोष का, प्रभाव का कितना परसेंटेज, मतलब ज़्यादा परसेंटेज में जातक को नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे नीच हो गए। यानी कि शनि यदि 1 नंबर राशि में है तो वे नीच का हो जाता है, चंद्रमा यदि 8 नंबर राशि में है तो नीच का हो गया, भले नीच भंग नहीं हो रहा हो, वह स्थिति भी आप देख लीजिए एक बार। नीच भंग होकर यदि कोई ग्रह यदि पॉजिटिव आ रहा है तो फिर वह दोष नगण्य हो जाता है, वह दोष मान्य नहीं होता है। इसी प्रकार से कोई ग्रह उच्च होकर अच्छा हो गया है, यानी कि चंद्रमा यदि 2 नंबर राशि में बैठ गया है, शनिदेव 7 नंबर राशि में बैठकर राजयोग जैसी स्थिति बना रहे हैं, योग कारक होकर उच्च हो गए हैं और शनि चंद्र की युति भी है, तो भी जातक को इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, युति अगर भंग हो रही है किसी कारणवश। युति कैसे भंग होती है, हमने लग्न कुंडली देख ली है, उसके बाद होती है भाव चलित कुंडली। अब जो मैं ये शब्द बोल रही हूँ, यदि आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तभी आपको समझ में आएंगे। डायरेक्ट यदि आप इस वीडियो पर आएँ तो पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको समझ में आए, तभी आपको ये बातें भी समझ में आएगी और आप अच्छे से प्रिडिक्शन करना सीख पाएंगे दोस्तों। तो युति संबंध मतलब है कि यदि हमने लग्न कुंडली में युति देख ली है, लेकिन भाव चलित कुंडली में युति भंग हो रही है, यानी कि शनि जिस भाव में स्थित है, चंद्रमा जिस भाव में स्थित है लग्न कुंडली में, लेकिन भाव चलित कुंडली में हमने देखा शनि या चंद्रमा से दोनों में से किसी ने भी अपने भाव को चेंज कर लिया है, युति भंग हो चुकी है, तो भी ये दोष भंग हो जाता है, इस दोष का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होता है। यदि ये 4 पॉइंट आपने अपने माइंड में सेट कर लिए तो आपका प्रिडिक्शन कभी भी गलत नहीं होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि कैसे यह है आपको नियम लगाने हैं दोस्तों। अब ये 2 कुंडलियाँ मैंने अलग अलग बनाई है ताकि आपको जो नियम मैंने बताए हैं वह आपको अच्छे से समझ में आए दोस्तों। यह मेष लग्न की कुंडली है, यह सिंह लग्न की कुंडली है, क्योंकि 5 नंबर यहाँ बना हुआ है। अब हम शुरू करते हैं। पहले सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट था कि हमने योग कारक मारक निकालना है, अर्थात नेगेटिव ग्रह है पॉजिटिव ग्रह। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, दोनों ही ग्रह शनि और चंद्र दोनों ही पॉजिटिव है। आप देखिए यहाँ पर 4th हाउस का मालिक है चंद्रदेव और 10th हाउस के लॉर्ड है, 11th हाउस के लॉर्ड है, तो दोनों ही अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आकर योग कारक स्थिति, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा फुलफिल हो गया। यदि फर्स्ट हाउस में शनि और चंद्र की युति होती है तो दोनों ही आप देख सकते हैं शनिदेव नीच अवस्था में यहाँ हो गए हैं 1 नंबर राशि में। तो मैंने आपको नियम बताया था कि नीच नहीं होना चाहिए, तो इस स्थिति में यह दोष बनेगा, लेकिन हमें किसके उपाय करने होंगे, केवल शनिदेव के, क्योंकि चंद्रमा यहाँ अच्छा ग्रह है तो उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चंद्रमा से हमें अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि उपायों के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। अब उपाय भी हमें युतियों के अनुसार करने पड़ते हैं। अब दूसरी अवस्था में हम देख सकते हैं शनि और चंद्र की युति यदि 2nd हाउस में हो रही है तो चंद्रमा यहाँ उच्च के हो गए हैं, यानी कि पॉजिटिव हो गए, शनिदेव भी उच्च के हैं, तो यहाँ दोष नहीं बनेगा। अब आप देखिए कि एक ही लग्न कुंडली है, अलग अलग भावों में अलग अलग दोषों का निर्माण हो जाता है, अर्थात एक भाव में तो ये दोष बन रहा है, दूसरे में नहीं बन रहा है, तो उसको भी आपको बहुत अधिक देखना है दोस्तों। इसी प्रकार से 3rd हाउस में शनि और चंद्र की यदि युति होती है तो यह दोष नहीं बनेगा, यह दोष नहीं बनेगा, लेकिन 3rd हाउस हमारे संघर्ष का घर माना जाता है, अच्छा घर नहीं माना जाता है, यह जातक को वैराग्य की ओर प्रेरित करेगा, अर्थात उसका मन जो होगा वह अपने जो सामाजिक कार्य में होता है उसमें नहीं लगेगा, पारिवारिक जीवन से उसका मन हट जाएगा, तो वह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन फिर भी जातक को इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होगा। अब यदि 4th हाउस में यह योग बनता है तो दोनों ही ग्रह पॉजिटिव है तो यह दोष नहीं बनेगा। इसी प्रकार से शनि और चंद्र की युति यदि 5th हाउस में है तो भी यह दोष नहीं बनेगा। शनि और चंद्र की युति यदि इस 6th हाउस में हो गई है तो यह दोष बनेगा, क्यों, दोनों ही ग्रह नेगेटिव हो गए हैं प्लेसमेंट के कारण, और यहाँ पर यह दोष बनने के कारण जातक को नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, कर्ज का वह शिकार हो सकता है, शत्रु पक्ष उसके ऊपर हावी रहेंगे, मानसिक परेशानी उसको उत्पन्न होगी। इसी प्रकार से शनिदेव और चंद्रदेव की युति यदि यहाँ पर हो गई है
तो हम देख सकते हैं कि शनिदेव यहाँ पर उच्च के हो गए हैं, तो राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है और चंद्रमा भी पॉजिटिव है, तो यह दोष नहीं बनेगा, इतना इसका प्रभाव नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो सेवेंथ हाउस में यदि शनि चंद्र की युति हो गई तो विवाह में देरी हो जाती है, वैवाहिक सुखों में कमी हो जाती है, लेकिन स्थिति जब डिपेंड करती है दोनों ही ग्रह नेगेटिव हो तो ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए कभी भी जब फलादेश करते हैं तो लग्न कुंडली पर भी आप देखिए, जो नियम मैंने बताए हैं उसे भी दिमाग में रखकर आप इस निष्कर्ष पर पहुंचिए कि जातक को कितना पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। अब यहाँ पर यदि शनि और चंद्र की युति हो रही तो चंद्रमा या नीच हो जाएंगे तो नेगेटिव हो गए हैं और शनिदेव भी नेगेटिव हो गए हैं प्लेसमेंट के कारण, तो यहाँ यह दोष बनेगा और नेगेटिव रिजल्ट जातक को प्राप्त होंगे। शनि और चंद्र की युति यहाँ पर हो गई है तो यह दोष नहीं बनेगा, इतना प्रभाव जातक को नहीं होगा, जीवन में उसके नेगेटिव रिजल्ट नहीं प्राप्त होंगे, दशा अंतर दशा पर उसे अच्छे ही रिजल्ट प्राप्त होंगे, भाग्य का उसको साथ मिलेगा, सुख सुविधाओं में उसके वृद्धि होगी। इसी प्रकार से शनि और चंद्र की युति यदि यहाँ पर होगी तो हम देख सकते हैं शनि से षष्ठ राजयोग यहाँ पर कुंडली में बनेगा जातक के, चंद्रमा भी यहाँ स्थित हो गया तो व्यापार में उसको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा, यह दोष नहीं बनेगा। मात्र युति से आप इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे कि दोष बन रहा है दोस्तों। इसी प्रकार से शनि और चंद्र की युति यहाँ पर हो गई है तो ये दोष नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि शनिदेव योग कारक हो गए हैं, स्वयं राशि के हैं और चंद्रमा भी पॉजिटिव है, तो ये दोष नहीं बनेगा। शनि और चंद्र की युति यदि यहाँ पर है तो दोनों ही नेगेटिव हो गए हैं तो ये दोष बनेगा दोस्तों। इस प्रकार से आपको कुंडली में देखना है कि योग कारक ग्रह है या नेगेटिव ग्रह है, उच्च के हो गए हैं, नीच के हो गए हैं, डिग्री डिफरेंस है कि नहीं है। भाव चलित कुंडली भी एक बार आपको देखना ज़रूरी है कि भाव चलित कुंडली में ग्रह का प्लेसमेंट अलग होकर युति भंग तो नहीं हो गई है, फिर एंड में उसके अनुसार प्रिडिक्शन करके आप जातक को उपाय बता सकते हैं। इसे होल कुंडली को एनालिसिस करके ही जातक को निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। अब ये दोष बन गया, इसके साथ साथ यदि कोई एक और दोष बन चुका है कुंडली में, यदि मंगल मांगलिक दोष भी बन गया है, विष दोष भी बन गया है, तो जातक को ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न होती है, वह भी हम इस कुंडली पर हम देखते हैं। अब ये कुंडली में हम देखिए कि योग कारक है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। चंद्रमा को 12वां हाउस प्राप्त है और शनिदेव को यहाँ पर 7th हाउस और 6ठा हाउस प्राप्त है, तो दोनों ही नेगेटिव ग्रहों की श्रेणी में आ रहे हैं। अब शनि और चंद्र की युति यदि यहाँ पर हो गई है तो जातक को यह दोष का पूरा परिणाम मिलेगा, क्यों? दोनों ही ग्रह नेगेटिव है और शनिदेव की सातवीं दृष्टि उसके 7th हाउस पर पड़ रही है, भले ही स्वयं राशि है लेकिन वैवाहिक जीवन उसका अच्छा नहीं रहेगा। शनिदेव और चंद्रदेव की युति के कारण उसको शारीरिक कष्ट बहुत अधिक जीवन में रहेगा, मानसिक परेशानियों का सामना उसको करना पड़ेगा, खर्च अधिक जीवन में होंगे, मन का भटकाव उसको बहुत अधिक होगा, तो इसलिए यह दोष के कारण उसको जातक को जीवन में परेशानी होगी और फिर उसे उपायों का सहारा लेना चाहिए। अब शनिदेव और चंद्रदेव की युति यदि यहाँ पर हो गई है 2nd हाउस में तो भी ये दोष बनेगा, क्यों? दोनों ही ग्रह नेगेटिव है तो जातक को वाणी दोष उत्पन्न होगा, धन से संबंधित परेशानी जातक को जीवन में रहेगी, समाज में उसका मान सम्मान में उसके वृद्धि नहीं होगी, तो दोनों ही स्थिति में ये दोष बनेगा। शनि और चंद्र की युति यदि यहाँ पर हो गई है तो हम देख सकते हैं शनिदेव यहाँ उच्च के हो गए हैं। अब उच्च के होकर कोई ग्रह नेगेटिव होकर उच्च का हो जाता है और वो भी 3rd हाउस में, तो जातक के जीवन में बहुत अधिक संघर्ष वह पैदा करेगा, जातक कभी भी अपने जीवन में बिल्कुल स्मूथ लाइफ नहीं जी पाएगा, जातक के जीवन में हमेशा भाग दौड़ लगी रहेगी, खर्चे अधिक होंगे, धन संबंधित परेशानी बिल्कुल जीवन में बनी रहेगी, इसलिए ये दोष उसके बनेगा। उच्च होकर भी बन रहा है, आप इस चीज़ को देखिए, तो आपको कुंडली में क्या देखना है कि कोई ग्रह पॉजिटिव होकर उच्च हो रहा है तो वह अच्छा है, लेकिन नेगेटिव होकर उच्च हो रहा है तो वह अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि वह नेगेटिव हो गया तो मतलब और ज़्यादा परेशानी, पॉजिटिव होकर उच्च हो रहा है तो अर्थात और अधिक पॉजिटिव उसके जीवन में रिजल्ट, इस प्रकार से आपको प्रिडिक्शन करना है।
अब चंद्रदेव और शनिदेव की युति यदि यहाँ पर हो गई है तो चंद्रमा यहाँ नीच का हो गया है, शनिदेव भी नेगेटिव है, तो जातक के जीवन में सुख सुविधाओं में हमेशा कमी रहेगी, माता को कष्ट रहेगा, शारीरिक कष्ट, माता के सुख से भी विहीन हो सकता है और उसका घर में भी मन बिल्कुल नहीं लगेगा। अब चंद्रदेव और शनिदेव की युति यदि यहाँ पर हो रही है तो संतान पक्ष से उसको नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे, लव लाइफ उसकी बिल्कुल डिस्टर्ब रहेगी और उसकी पढ़ाई में भी उसका जीवन में अच्छा नहीं प्राप्त होगा, अर्थात पढ़ाई में भी उसको सक्सेस नहीं प्राप्त होगी। शनिदेव और चंद्रदेव की युति यदि यहाँ पर हो रही है तो शनिदेव और चंद्रदेव आप देख सकते हैं यदि सूर्यदेव लग्न के स्वामी है और वह अच्छी डिग्री में है, अच्छा उनका प्लेसमेंट है, तो आप देखिए चंद्रदेव और शनिदेव योग कारक होकर अर्थात विपरीत राजयोग बनाकर योग कारक ग्रहों की श्रेणी में आ गए हैं, जिससे यह दोष नहीं बनेगा, जातक को बिल्कुल मतलब माइनर से नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल मेजर जैसे नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा मन भटका उसको हो सकता है, थोड़ी सी शारीरिक पीड़ा उसको हो सकती है, लेकिन इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना इन हाउसेस में बनने पर बनेगा। तो आपको देखना है किसी भी कारणवश वह पॉजिटिव तो नहीं हो रहा है। विपरीत राजयोग बनाकर दोनों ही ग्रह अच्छी अवस्था में कब आएंगे, जब सूर्य अच्छा होगा तब। अब सूर्य ही यदि 1 डिग्री 2 डिग्री का हो गया, सूर्य का प्लेसमेंट ही यहाँ पर हो गया, तो यह विपरीत राजयोग का फल नहीं प्राप्त होगा। तो वह भी आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। बेसिक चीज़ें यदि आपने क्लियर कर ली तो ही आपको यहाँ फलादेश करने में आसानी होगी। अब शनिदेव और चंद्रदेव की युति यदि यहाँ पर हो गई है, अब शनिदेव स्वयं राशि है तो जातक को इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन चंद्रदेव नेगेटिव है इसलिए थोड़ा सा दोष अर्थात हम कह सकते हैं 50% जातक को नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे, वैवाहिक सुखों में कमी रहेगी, शनिदेव विवाह में देरी उसको करा सकते हैं। इसी प्रकार से शनिदेव और चंद्रदेव की युति यदि यहाँ पर हो गई है तो विपरीत राजयोग बनाकर वह पॉजिटिव ग्रहों की श्रेणी में आ गए हैं, तो इतना नेगेटिव रिजल्ट जातक को नहीं मिलेगा। शनिदेव और चंद्रदेव की युति यहाँ पर हो गई तो शनिदेव यहाँ नीच अवस्था में आ गए हैं, नेगेटिव है, नीच भी हो गए हैं और चंद्रमा भी नेगेटिव है, तो जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा और उसके जीवन में परेशानी ही रहेगी। जब भी वह ट्रैवलिंग करेगा तो उसको यात्राओं से लाभ नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से चंद्रदेव और शनिदेव की युति यहाँ पर हो गई तो चंद्रमा यहाँ उच्च के हो गए हैं। अब उच्च का मतलब नेगेटिव ग्रह उच्च हो गया है, तो मतलब यदि वह व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करता है या विदेश से वह कनेक्शन है तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कहीं कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यदि वह अपनी मातृभूमि में स्थित होकर ही कोई सामान्य कार्य कर रहा है तो उसको हमेशा व्यावसायिक रूप से उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जीवन में उसका करियर कभी भी सेट नहीं होगा, जीवन में बहुत अधिक परेशानियों का उसका सामना करना पड़ेगा दोस्तों, तो यह दोष उसके बनेगा। अब शनिदेव चंद्रदेव की युति यदि यहाँ पर हो रही है तो यह दोष बनेगा, उसकी सोशल लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी और जातक के जीवन में कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियाँ लगी ही रहेगी, लाभ में उसके कमी रहेगी। इसी प्रकार से शनिदेव और चंद्रदेव की युति यदि यहाँ पर होती है तो विपरीत राजयोग बनाकर योग कारक ग्रह में आ रहे हैं तो जातक को इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब दोनों कुंडलियों में हम देखें कि अच्छे ग्रह होकर भी कई बार तो दोष बन गया और बुरे होकर भी 6/12 में होकर भी इतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिला, तो होल कुंडली को एनालिसिस करके ही आपको प्रिडिक्शन तक पहुंचना है दोस्तों। जो नियम बताए हैं सिंपल से उनको ध्यान में रखते हुए आपको नियम अप्लाई करना है और आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप अच्छे से फलादेश कर पाएंगे। अब हम आ जाते हैं उपायों के ऊपर कि उपाय क्या करने हैं। हमने पूरा प्रिडिक्शन निकाल लिया, हम निष्कर्ष पर पहुँच गए कि हाँ भाई योग दोष बन रहा है, तो उपाय क्या करना है। दशा अंतरदशा पर यदि शनिदेव के अंदर अंतरदशा चंद्रदेव की चल रही है तो दोनों ही देवताओं के बीज मंत्रों का जाप आपको उस समय करना है, और यदि दोनों ही ग्रहों में से एक ग्रह नेगेटिव है तो उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप आप ज़रूर करें, और उसके अलावा दोनों के रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं या फिर रत्न। अब रुद्राक्ष तो आप यदि नेगेटिव है तो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, यदि दोनों में से कोई भी पॉजिटिव ग्रह है और एक ग्रह के कारण दोष बन रहा है जो नियम मैंने बताए हैं तो उसके अनुसार एक का रत्न भी धारण कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यही कुंडली ली थी तो
इस कुंडली के अनुसार हम देख सकते हैं कि जातक रत्न के माध्यम से चंद्र को अच्छा कर सकता है, रत्नों के माध्यम से। अब रत्न किसका पहनना है, केवल वह मोती पहन सकता है, शनिदेव का रत्न नहीं पहन सकता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव लग्न के शत्रु है, इसलिए नीलम रत्न नहीं पहन सकते हैं। तो मोती जातक पहनेगा तो चंद्रदेव अच्छे हो जाएंगे और शनिदेव का फिर हम रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं सात मुखी। इस प्रकार दोनों ही ग्रह को अच्छा कर लिया। दोनों ही ग्रह के यदि आपने मंत्र जाप कर लिए तो जीवन में बहुत अधिक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यह दोष आपकी कुंडली से बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कोई नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए छोटा सा उपाय भी यदि आपने कर लिया तो दोष हमारे जीवन से बिल्कुल खत्म हो जाता है। अब दान की बात आती है, तो दान हम दोनों ही ग्रहों का नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही ग्रह नेगेटिव है, दोनों ही ग्रह पॉजिटिव है। भले ही यहाँ पर स्थित होकर वह दोष बना रहे हैं, फिर भी आपको दान नहीं करना है। दान कब करना है, जब दोनों ही ग्रह यदि नेगेटिव हो या दोनों में से कोई भी एक ग्रह नेगेटिव हो तो उसका ही दान आप करें। तो दशा अंतरदशा पे दान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, रत्न और रुद्राक्ष में से जो आपको रिकमेंड किया जाए वह यदि आपने पहन लिया तो 101% यह दोष से आपको मुक्ति हो जाएगी। आपने पूरा फलादेश कर लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ हमने उपाय भी कर लिए। अब बात आती है बिल्कुल अद्भुत बात जानने की कि जातक के जीवन में हमने देखा पूरी डिग्री से पूरा सब कुछ देखा कि दोष बन रहा है, पूरा फिलफिल हो रहा है, लेकिन फिर भी हम जब जातक से बात करते हैं कि आपकी कुंडली में तो विष दोष बन रहा है, फिर भी आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप तो अपने जीवन से बहुत खुश हैं, तो ऐसे कैसे संभव हो गया। तो जातक से आपको सबसे पहले ये सवाल पूछना है कि वह आखिर करता क्या है, उसका कार्य क्या है, क्योंकि कोई भी कुंडली नेगेटिव नहीं होती है। सब कुछ डिपेंड करता है कि हम क्या कार्य करते हैं। यदि जातक सन्यासी है, वैराग्य है, समाज सेवा करता है, दूसरों के हितों के लिए कार्य करता है तो यह दोष नहीं बनेगा। इस दोष के कारण जातक को जीवन में तरक्की मिलेगी। आपको विश्वास नहीं होगा मैं जो कह रही हूँ, आप वह बहुत ध्यान से सुनिए। इस दोष के कारण जातक को तरक्की मिलेगी क्योंकि शनिदेव वैराग्य के कारक ग्रह भी है। यदि जातक ने अपना जीवन ही तपस्या में लीन कर लिया, जातक ने अपना जीवन ही वैराग्य की ओर मोड़ लिया, मोक्ष की प्राप्ति की ओर वह अग्रसर हो गया और वह सांसारिक जो भी मोह माया है उसका त्याग करके अपना पूरा जीवन उसने दूसरों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, तो जातक को यह दोष बहुत अधिक आगे तक लेगा जाएगा। जातक बहुत अधिक अच्छा जीवन में नाम कमाएगा। जातक अपने जीवन में वैराग्य की दशा की ओर जाकर अपने जीवन में बहुत अधिक नाम रोशन करेगा। तो इसलिए कभी भी आप कोई भी दोष या राजयोग का फलादेश करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात होती है कि जातक क्या कार्य करता है, कौन सी दिशा में उसका रुझान है, क्या वही कार्य वह अपनी कुंडली के अनुसार करता है, तो जो दोष होता है वह भी भंग हो जाता है और जातक को दोष के कारण भी जीवन में अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जो कारक तत्व है उसने ही अपने जीवन में उसने अपने जीवन को उसी दिशा में मोड़ लिया तो जातक का जीवन बहुत अधिक अच्छा अग्रसर होगा। अब इसके विपरीत ही जातक मोह माया में फंसा रहेगा, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति में अपना जीवन लगा देगा, सामाजिक सुखों की प्राप्ति में अपना जीवन लगाएगा और दोष 100% बन रहा है तो जातक बहुत अधिक परेशान रहेगा, फिर उसको उपायों का सहारा लेना जरूरी है। यह उपाय ऐसे हैं जिनके माध्यम से आप जीवन के किसी भी दोष को खत्म कर सकते हैं, किसी भी राजयोग को एक्टिव कर सकते हैं। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है, तो कुंडली विश्लेषण के पश्चात सटीक निर्णय लेकर ही आप यह रत्न रुद्राक्ष दान जातक को बताएं, कौन से देवता के मंत्र जाप करने हैं, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, कौन सा रत्न धारण करें, क्या दान उस समय करें ताकि हमारी लाइफ जो है वो स्मूथ बने, कौन सी दिशा में हम करियर का चुनाव करें ताकि हमारे जीवन में कभी भी हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिले। अब आप मतलब कुंडली एक इस प्रकार से होती है, मतलब एक जो दिशा वह हमें बताती है थी उस दिशा में हमारा जीवन मोड़ लिया तो कभी भी आपको नेगेटिव रिजल्टों की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन जितना भी ज्ञान था मेरे पास मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मैं भी आशा करती हूँ कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको यह जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। थैंक यू एंड बाय बाय।